ये जो मारामारी बीजेपी में चली हुई है इसे लोग समझ नहीं रहे हैं। अब इसकी लीपापोती के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए एक बहुत दूर की कौड़ी नाविका जी लेके आई हैं कि आज जब लखनऊ पार्टी, समाजवादी पार्टी का ऑफिस में कार्यक्रम था, उसमें राहुल गांधी शामिल क्यों नहीं थे। लेकिन इतना भी अछूत नहीं बना के रखना चाहिए। पत्रकारिता कोई आसमान से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई चीज नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। मंथन इतना कर रही है भारतीय जनता पार्टी के 52 दिन हो गए हैं रिजल्ट को आए, उन्हें ऐसा सिर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हार कर ठीकर फोड़ सके। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, गोदी मीडिया एंकर नाविका कुमार को अखिलेश यादव के वाईफाई वाले पोस्ट से बहुत तकलीफ हुई है और वो जैसे बीजेपी पार्टी अपना झगड़ा छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा उठाती है, आज वही काम नाविका कुमार ने किया। इस पर राजकुमार भाटी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए नाविका को एक्सपोज कर दिया और वीडियो के आखिर में अजय आलोक और एक अंधभक्त ने सवाल भी किया जिसका बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया राजकुमार भाटी ने। देखिए आप लोग, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। पासवर्ड की चिंता है अखिलेश जी को, चलिए अच्छा है, आपकी यहाँ लड़ाई बिना पासवर्ड के, लेकिन बीजेपी की लड़ाई में आप पासवर्ड ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर संविधान का इतना बड़ा सेलिब्रेशन था तो राहुल भैया क्यों नहीं बुलाए? दोनों लड़के साइकिल पर बैठकर नजर आते, क्योंकि संविधान बचाने का ही तो पूरा दारोमदार था इस चुनाव में, उसमें भी साथ नहीं आए। और नीति आयोग के मीटिंग में भी अलग अलग लोग, डिफरेंट सुर सब तरफ से आ रहे हैं। भाटी जी, चल क्या रहा है? अभी पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में बुरी तरह मारामारी छिड़ी हुई है, एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे को आरोपित करने में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही स्वर उठने शुरू हुए हैं और कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ खुल के मोर्चा खोल दिया है, जिसमें 7 बार के विधायक जो फतेह बहादुर सिंह भी हैं, जिसमें एक वो किन्नर आयोग की अध्यक्ष बनाई थी सोनम किन्नर, उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया था, वो खुल के उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार है, सुनवाई हो नहीं रही है, मुख्यमंत्री खुद नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इनके कई विधायक, वो एक मोती सिंह हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि मैंने 45 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार है। ये तमाम जो टांग खिंचाई हो रही है, सहयोगियों ने भी विरोधी स्वर बोलने शुरू कर दिए हैं। संजय निषाद ने खुल के बोला क्या, योगी जी जब बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि उत्तर प्रदेश में NFS का बहाना लेकर पिछड़े वर्गों को और दलितों को सरकारी नौकरियों में आने से रोका जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जो सारे स्वर अचानक उठने शुरू हुए हैं, क्या ये किसी भी, जो भी थोड़ी सी समझ राजनीति की रखता होगा और जो थोड़ी सी भी पत्रकारिता करता होगा, वो सब समझ रहे हैं कि ये किसके इशारे पे हैं? ये लोग अचानक बोलने शुरू नहीं हुए हैं? बात तो सही है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री उससे गायब हो जाते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के ऑफिस में मीटिंग बुलाते हैं कोर कमेटी की, उसमें मुख्यमंत्री नहीं आते। क्या इन चीजों को लोग समझ नहीं रहे हैं? क्या ये जो मारामारी बीजेपी में चली हुई है इसे लोग समझ नहीं रहे हैं? अब इसकी लीपापोती के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए एक बहुत दूर की कौड़ी नाविका जी लेके आई हैं कि आज जब लखनऊ पार्टी, समाजवादी पार्टी के ऑफिस में कार्यक्रम था, उसमें राहुल गांधी शामिल क्यों नहीं थे। ये केवल बैलेंस करने का प्रयास है नाविका जी, और ये किसी के गले नहीं उतरेगी बात के बीजेपी के अंदरूनी झगड़े से इस बात की कोई तुलना की जा सकती है? सही पकड़े हैं। वो समाजवादी पार्टी का अपना कार्यक्रम था, वो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम नहीं था। चाहे राहुल गांधी जी रायबरेली में थे, चाहे वो लखनऊ में भी होते, वो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के, और कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था। जैसे आपने कहा कि बड़ा मंच सजाया, वो पार्टी के ही लोहिया सभागार में छोटा सा कार्यक्रम था, पार्टी के कुछ नेता उसमें उपस्थित थे। उसमें हमने आरक्षण दिवस, क्योंकि आज के दिन 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने आज के दिन पहली बार इस भारत में आरक्षण की व्यवस्था की थी, दबे कुचले कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को,
बोल बोल। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर बार मेरे लिए जो पत्रकारिता की क्लास लगाते हैं ना, मुझे लगता है या तो आप क्लोजेट पत्रकार बनना चाहते हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगी, मेरी जगह आप एंकर कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे थे, मैंने उठा लिया, और मैं दोनों तरफ से सवाल पूछूं तो आपको दिक्कत क्या है? आप मेरी इमेजिनेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वैसे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, गलत बात है भाटी जी। या तो आप पत्रकार बन जाइए और डिसाइड कर लीजिए, मेरी 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 स्क्रिप्ट आप ही लिख दिया करिए, तब मैं आपके हिसाब से चलूंगी, तब मुझे कम से कम गोदी मीडिया नहीं कहेगा कोई। लेकिन लेकिन सोशल मीडिया पर या बाहर चर्चा चले और मैं कोई सवाल पूछ लूं तो आप बड़े चिंतित हो जाते हैं और यूं कटाक्ष करते हैं मुझ पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ गोई के साथ, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आपको कंट्रोल करने का या आपको दिशा निर्देश देने का, डिक्टेट करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इतना भी अछूत नहीं बना के रखना चाहिए। पत्रकारिता कोई आसमान से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई चीज नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। ये मैं देखता हूं कि अक्सर थोड़ी सी, हम तो आपके कटाक्ष सुनते हैं, हम तो आपकी आलोचना सुनते हैं, आपके खूब ताने सुनते हैं, हम तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। पत्रकारों को भी अपने आप को इतना महान नहीं मानना चाहिए कि आप आलोचना से बाहर हैं। ये हुई ना बात। नविका जी, अभी अभी एक खबर आई है, उत्तर प्रदेश से ही खबर आई है, राहुल गांधी कोर्ट से निकलने के बाद जहां पे जूता बनाने वाले के घर पे गए, वहां उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। भाटी जी को भी बहुत मजा आएगा सुन के, कि 2027 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा अगर कांग्रेस का एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई। भाटी जी मजेदार, मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ हंस ही सकता हूं ना, बहुत तेज हो रहा है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया, मैंने पहली बात तो बयान सुना नहीं है, किन परिस्थितियों में या किस सवाल के जवाब में या किस संदर्भ में दिया है उसे समझने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी या कोई और भी या कोई पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा तो कुछ इसमें कुछ गलत तो है नहीं, मुसलमान भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी तो हक है। सही बात है। यूपी में बीजेपी अपनी हार का कम से कम गंभीरता से मंथन तो कर रही है, कांग्रेस मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा में फेल हुई, अपनी शर्मनाक हार का मंथन क्यों नहीं करती? रुको जरा, सबर करो। नहीं, मंथन इतना कर रही है भारतीय जनता पार्टी के 52 दिन हो गए हैं रिजल्ट को आए, 52 दिन से वो एक सिर ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ सके। उन्हें ऐसा सिर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ सके। कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहती है, योगी आदित्यनाथ अमित शाह के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, अमित शाह आरएसएस के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही, जैसे शुरू में मैंने कहा था, अलग अलग स्वर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आरएसएस के लोगों ने टिकट बेच दिए, कोई कह रहा है कि दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट दिए गए, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं कोई पूछ नहीं हुई, कोई कह रहा मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली गई। तो ये मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।